हमारे साथ यूपी के स्टार खिलाड़ी रिंकू जी और साथ ही साथ बिहार के तनवीर बाहुबली मौजूद है। अभी अभी ये लोग करीम इलेवन की टीम के तरफ से जीत कर आगे बढ़े हैं। जी हाँ, इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अब तो बता ही दिए दर्शक को नाम, तो अब क्या बताएं। परिचय के मोहताज नहीं है। हाँ, काफी अच्छा लगता है। एमपीएल मधुबनी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है और इस टूर्नामेंट को जीतना ये तो गर्व की बात है और मजा भी आता है। रात को 1 बजे इतना सारा प्यार बाहुबली से, आपसे क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, दर्शकों का प्यार है तभी तो हम लोग यहाँ तक है और ये जीत का श्रेय हम दर्शकों को ही देते हैं। बहुत काफी सपोर्ट मिलता है। क्या कहेंगे मैनेजमेंट के बारे में? हाँ, मैनेजमेंट तो यहाँ का बहुत ही अच्छा रहता है। नाइट में 2 बुलेट गाड़ी रहता है, बाकी व्यवस्था ग्राउंड सब कुछ अच्छा, लाइटिंग वगैरह सारा कुछ अच्छा। नाइट में आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी रही, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, क्या कह रहे हैं, ज्यादा फील्डिंग अच्छा लगा। हाँ, अच्छा था फील्डिंग, सभी लोग का फील्डिंग अच्छा था, सबका सारे टीम एफर्ट, पूरा 11 का 11 पीरियड ने एफर्ट लगाया और हम लोग यहाँ तक जीते हैं। और रिंकू जी कहिए कैसा लग रहा है बिहार? बहुत ही अच्छा लग रहा है, फाइनल जीत के, जो एमपीएल का बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है और यहाँ फाइनल जीत के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग तनवीर भाई, सरफराज भाई, सब लोग एकजुट होकर खेले, जो जिसका जहाँ सपोर्ट मिला सब लोगों ने सपोर्ट किया और खास तौर पर आज सरफराज ने बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी किया और हमारे तनवीर भाई भी लास्ट में जाके 3-4 छक्के मारे, स्कोर अच्छा हुआ और बॉलरों ने अच्छी गेंदबाजी की और फील्डिंग हम लोगों की बहुत ही अच्छी हुई, इसलिए हम लोग मैच जीते। दर्शकों के बारे में क्या कहें? बहुत ही अच्छे दर्शक थे, क्रिकेट को प्यार दिए और हम लोगों को भी बहुत प्यार मिला और फाइनल जीते बहुत अच्छा लग रहा। मैनेजमेंट के ऊपर क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट, यहाँ पे दोनों टीमों को, जो रनर और विनर होती है दोनों को बुलेट रहता है, तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होता है। इस टूर्नामेंट को जीत के गर्व महसूस हो रहा है। आगे भी अगर मौका मिला तो मधुबनी आएंगे? जरूर आएंगे, अच्छा खेल खेलेंगे, अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे और फिर जीतना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।